जैव कीटनाशक और जैव उर्वरक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। कृषि में जैव कीटनाशकों और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने ये निर्देश तैयार किए हैं। इसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल सतत कृषि उत्पादन और जैव निवेशों को बढ़ावा मिलेगा। फलस्वरूप रसायन मुक्त कृषि उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि जैव कीटनाशक क्या हैं। जैव कीटनाशकों का निर्माण जंतुओं, पौधों, बैक्टीरिया और कुछ खनिजों से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थों से किया जाता है। इनका उपयोग हानिकारक जीव, कीट, गोल कीट, बैक्टीरिया और फफूंद के नियंत्रण के लिए किया जाता है। जैव कीटनाशकों के प्रकार की बात करें तो जैव कीटनाशी अर्थात बायो इंसेक्टिसाइड्स, जैव कवकनाशी अर्थात बायो फंजिसाइड्स, जैव शाकनाशी अर्थात बायो हर्बिसाइड्स तथा जैव सूत्रकृमिनाशी अर्थात बायो निमेटिसाइड्स इसके प्रमुख प्रकार हैं। जैव कीटनाशक के उपयोग की बात करें तो बीज उपचार में, खेती के समय और कटाई के बाद, फलों की फसलों में, मैदान और सजावट में, चारा और चारागाह भूमि में तथा लोक स्वास्थ्य और वानिकी में इनका उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देखें, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस तथा बैसिलस स्फेरिकस हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। ऐसे उर्वरक जिनमें जीवित सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं तथा पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। जैव उर्वरक के उदाहरणों में शामिल हैं नाइट्रोजन जैव उर्वरक, राइजोबियम जैव उर्वरक तथा एजेटोबैक्टर। जैव उर्वरक के उपयोग की बात करें तो दाल, मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान और सरसों की फसलों के लिए उपयोगी होते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित फूलपुर, गुजरात स्थित कालोल, ओडिशा स्थित पारादीप तथा उत्तर प्रदेश स्थित आंवला जैव उर्वरक उत्पादन यूनिट हैं।